हमारे भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका संबंध या तो दूसरे युग से है या फिर उनका इतिहास कई हजारों साल पुराना है। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलीवेट है, जो कर्नाटक के हसन जिले में डक्कन के पहाड़ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होसलेश्वर मंदिर की। होसलेश्वर मंदिर बड़ा ही सुंदर और रहस्यमय है। यहाँ लगे पत्थरों की शिल्पकारी और नक्काशी देखकर दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ बने स्तंभों को देखकर लगता है कि उन्हें आज के औजारों से बनाया गया है, लेकिन होसलेश्वर बना था 900 साल पहले। ये होसल वंश के सबसे प्रतापी राजा का दौर था। उनका नाम बिट्टी देव था और वे जैन धर्म को मानते थे, लेकिन वे हिंदू दार्शनिक रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित थे। दार्शनिक ने जैन राजा को नया धर्म अपनाने की सलाह दी और फिर 12वीं सदी की शुरुआत में राजा ने वैष्णव धर्म अपना लिया। वैष्णव धर्म अपनाने के बाद राजा ने कई बड़ी ही आलीशान इमारतों का निर्माण करवाया था। उनमें से एक सबसे शानदार होसलेश्वर मंदिर ही है। यह इमारत एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस प्लेटफॉर्म पर पत्थर की 12 काशीदार परतें हैं जिनसे मंदिर की ऊंचाई और भी बढ़ जाती है। इन परतों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें इंटरलॉक किया गया है। पत्थरों को इंटरलॉक करने की यह तकनीक न सिर्फ राजा को पसंद आई, बल्कि उसी की बदौलत मंदिर आज तक टिका हुआ है। करीब 1000 साल बाद भी मंदिर वही मजबूती से खड़ा है। इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी है, जिनकी मदद से न सिर्फ उस काल को बल्कि हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को भी दर्शाया गया है। होसलेश्वर एक शैव मंदिर है, फिर भी यहाँ भगवान विष्णु और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई है। इन मूर्तियों को सोप स्टोन से बनाया गया था, जो पहले तो काफ़ी नरम होते हैं लेकिन वक्त के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। इसी वजह से कारीगरों को इतनी बारीकी से काम करने का मौका मिला। लेकिन मंदिर के अंदर संहारक शिव की शानदार मूर्ति है। हर मूर्ति एक पत्थर से बनाई गई है। इसकी बारीकी समझ से परे है। भगवान शिव के मुकुट पर खोपड़ी बने हैं जो करीब 1 इंच चौड़े हैं, मगर कमाल की बात तो यह है कि इन छोटे गोलों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उनसे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होकर मुंह में जाकर कानों से बाहर आती है। सवाल यह उठता है कि आज से 1000 साल पहले सिर्फ हाथ के औजार से उनमें सुराख कैसे बनाए गए होंगे। सवाल सिर्फ यही एक नहीं है, सैलेश्वर स्तंभ भी सिर्फ एक ही पत्थर से बना अजूबा ही है। उन पत्थर पर बड़ी बारीकी से गोलाकार खांचे बनाए गए हैं जो छेनी हथौड़ी के मदद से बना पाना नामुमकिन है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह काम किया जा सकता है सिर्फ लेंथ मशीन पर। लेंथ मशीन वह मशीन होता है जो किसी चीज को एक ही जगह पर घुमाती रहती है, इसके बाद दबाव डालकर उस चीज पर आकार या पैटर्न बनाया जाता है। आज के ज़माने में लेंथ मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर उद्योग में किया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पत्थर के इतने बड़े स्तंभों को घुमाने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किए होंगे, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि उन्होंने जिस मशीन का इस्तेमाल किया था वे आज के एक बेहतरीन मशीन से किसी भी लिहाज से कम थी। और ये शायद इंसानों के दिमाग को कम आंकने की भी भूल होगी। और ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि इंसान की बुद्धि से बढ़कर भी कुछ हो सकता था।